दोस्तों नमस्कार। बाइक फूट मामले में ईडी की जांच शुरू। और दोस्तों ये जो खबर है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ के कि ये जो खबर है ये 22 अक्टूबर 2019 की खबर है। तो जानते हैं दोस्तों इसको डिटेल्स में, ज़्यादा देर करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नोएडा से खबर है कि नोएडा के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में से एक बाइक फूट और यमुना विकास प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए सवा दो करोड़ से अधिक के घोटाले के केस को ईडी ने रजिस्टर कर लिया है और उसकी जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अब दोनों ही मामलों में आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अन्य आरोपियों अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इन दोनों ही मामलों में अभी सीबीआई जांच का भी फैसला आना है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दो दिन पूर्व ईडी ने दोनों ही मामलों को अपने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया था। इन मामलों की जांच नए सिरे से ईडी द्वारा की जाएगी। ईडी ही आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी करेगा। ईडी अब बाइक बोट और पीसी गुप्ता प्रकरण में आरोपी की संपत्ति को चिन्हित कर उन्हें शासन में अटैच करवाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इन दोनों मामलों की सीबीआई जांच कराने के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और अब शासन द्वारा उसकी सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया जाना है, जिसके संबंध में आदेश का इंतजार है। बाइक बोर्ड के खिलाफ देश भर में अभी तक जो है दोस्तों 500 से अधिक मामले मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन नोएडा में ही दर्ज 46 मुकदमों के संबंध में रिपोर्ट देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों ये न्यूज है बाइक बोर्ड से संबंधित। उसके अलावा बाइक बोर्ड के न्यूज़ आप लोगों को पता है कि जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आना आम बात हो गई है, तो उसी से संबंधित न्यूज़ था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है जिन्होंने नहीं सुना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।